हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल नेक डिजाइन, जिसे मैं स्टोरी लूप्स के साथ रेडी करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन मैं रेडी करने जा रही हूँ, ऐसे मैं इसको शॉर्ट राउंड पे रेडी करूंगी। आप चाहो तो इसको बोट नेक पे भी बना सकते हो या किसी भी नेक पे भी बना सकते हो। तो ऐसे फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने ये जो राउंड नेक कट किया है, मैंने कितना इंची ब्रॉड लिया और कितना डीप लिया है। तो इस तरीके से ब्रॉड ये 8 इंची है और डीप लगभग 6 इंची है। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी चौड़ाई या लंबाई। तो ऐसे फ्रेंड्स, मैंने नेक कट करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच भी कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे जो हमें इधर से भी दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है, और ये जो सिलाई मैंने इधर लगाई है वो हमें इस साइड भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने जो सिलाई लगाई है, और अब हमने जो अपने लूप स्टिच करने हैं वो इसी सिलाई के ऊपर ही स्टिच करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मजेंटा कलर की डोरी जो है वो पहले से ही बना के रखी है, क्योंकि इसकी जो कुर्ती है उसमें मजेंटा कलर का वर्क हुआ हुआ है, इसलिए मैं ये कंट्रास्टेड यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो सेम भी लगा सकते हो। तो अगर आप ये डोरी बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन प्रेस करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, आप वहां जाके ये देख सकते हैं ये डोरी कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो डोरी स्टिच करनी है नेक के ऊपर, बिल्कुल नए तरीके के साथ स्टिच करनी है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये डोरी हमारे पास पलटी हुई है, हमने यहाँ पे एक नोट लगाना है इस तरीके से। नोट हमने ज्यादा बड़ा नहीं लगाना, इस तरीके से, और यहाँ लूप बनाते हुए आपने उतनी डोरी कट कर लेनी है। तो ये देखिए, ऐसे हमारा नोट के साथ लूप आ जाएगा। ऐसे ही हमने सारे अपने नोट लगा के डोरियां कट कर लेनी है। ऐसे आप नोट लगाते जाएं और बिल्कुल बराबर बराबर डोरी को कट करते जाएं, इस तरीके से, ऐसे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, इसे आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है हमारे सूट के ऊपर बना हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी डोरी को इस तरीके से नोट लगा के कट कर लिया है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लूप बनाएंगे इसकी, और इसको ये वाली जो हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई है उस वाली सिलाई पे रख के ऐसे स्टिच करते जाएंगे। और ये जो डोरी है हमने इस तरीके से ऐसे रखनी है, बुकरम वाली साइड की तरफ हमने लूप बना के रखनी है, क्योंकि ये साइड तो हमारी कट ही जाती है अंदर वाली, आपको भी पता होगा, इसलिए हमने ये जो लूप बनानी है वो इधर वाली साइड में रखनी है हमने, बुकरम वाली साइड में। तो आपने जितनी भी लूप इधर की तरफ दिखानी है, अगर आपने छोटी दिखानी है तो आप छोटी, अगर बड़ी दिखाना चाहते हैं तो बड़ी, इस तरीके से लूप बनाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ऐसे हमने लूपी को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक उसी सिलाई के ऊपर जो हमने पहले लगाई थी बुकरम के साथ साथ। तो आप लूपी में अपने अकॉर्डिंग गैप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पैर का गैप दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी लूपियाँ स्टिच कर लूँगी अपने नेक के ऊपर। तो आप भी फ्रेंड्स, लूप में सिर्फ इतना ही गैप दें, अगर ज़्यादा गैप हो गया तो लूप अच्छी नहीं लगेगी लगी हुई। तो ये देखिए, ऐसे मैंने सारी लूपियों को अपने नेक पे स्टिच कर लिया, और देखिए कितनी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी कुर्ती पे स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मेरी कुर्ती है और इसमें ये मजेंटा कलर का वर्क भी हुआ हुआ है, और ये पाइपिंग भी लगी हुई है नेक के नीचे। अगर आपके सूट में पाइपिंग नहीं है तो आप लगा सकते हैं, इसमें ऑलरेडी थी, मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नेक को इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम नेक को उल्टा करके रखेंगे अपनी सीधी कुर्ती पे। तो पहले हम कुर्ती का और नेक का सेंटर लेते हुए रफ स्टिच कर लेंगे इन दोनों के सेंटर में, और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। तो आप ये रफ स्टिच ध्यान से लगाएं, सेंटर में आनी चाहिए बिल्कुल, इस तरीके से। और अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, ऐसे हमारी जो लुपियाँ हैं वो गुम भी हो जाएंगी और नेक में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई भी लगा ली है। अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे।
तो ऐसे हम बिल्कुल एक एक दो दो पैर का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे बीच में से इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक मोटा हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से कट करें। तो ऐसे बीच वाला जो फैब्रिक है वो कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि पलटने के बाद नेक में अच्छी फिनिशिंग आए। तो कट्स भी लग चुके हैं, अब हम अपने नेक को पलट लेते हैं और लुपियों को इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने अपने सारे नेक को पलट लेना है। ये देखिए पलटने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये नेक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से फैब्रिक को खींचते हुए और लुपियों को बाहर निकालते हुए ऐसे। एक पैर की सिलाई से क्या होता है, हमारी नेक में अच्छी फिनिशिंग भी आती है और रेडीमेड लुक भी आती है। तो इस सिलाई के बाद हमारा यह नेक पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये पूरी कुर्ती रेडी हो चुकी है और हमारा यह नेक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो नेक के नीचे पाइपिंग थी मैंने उस पर बटन भी लगाए हैं और कितना ब्यूटीफुल ये कंट्रास्ट लग रहा है। और ऐसे हमारी ये पूरी कुर्ती रेडी है। तो ये होगी हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।